Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Today in this video lecture we will discuss about the two important plant hormone, that is abscisic acid and ethylene. So first we discuss about what is abscisic acid. So in earlier part of this video lecture we have already discussed that abscisic acid is a growth inhibitor. Here this is growth inhibitor. We have already discussed that hormone are categorized into two categories, growth promoter and growth inhibitor. तो previous lecture में जितने भी हमने hormone cover करे थे, auxin, zebralin and cytokinin, these three are growth promoter. But here we will discuss about abscisic acid and this one is growth inhibitor. क्योंकि ये growth को inhibit कर देता है, stop करता है, रोकता है. That is why it is referred as growth inhibitor. Next point में ये बताया गया है कि कोई scientist थे, Robinson एंड वेरिंग. इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उन्होंने देखा कि कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर जिनको उन्होंने नाम दिया डॉर्मिन. पहले ये एब्सिसिक एसिड जो शब्द था ये पहले नहीं था, पहले इसको हम डॉर्मिन, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी इसको नाम दिया था डॉर्मिन बिकॉज इट कॉज डॉर्मेंसी. इसके बाद फर्दर साइंटिस्ट आए ओकुमा जिन्होंने फर्दर स्टडी करी और इन्होंने इस टर्म को नाम दिया एब्सिसिक एब्सिशन. ठीक है, अब बाद में फर्दर ये डिस्कवरी होते होते ये पता चला कि जो ये एब्सिशन और डॉर्मिन था इट इज़ सेम, ये दोनों सेम थे और इनको एक नाम दिया दैट इज एब्सिसिक एसिड, ए बी ए, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड ए बी ए एब्सिसिक एसिड. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, इसके क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. एब्सिसिक एसिड क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट इज इट एसिलेट द सेनेसेंस फेज ऑफ ग्रोथ. सेनेसेंस फेज का मतलब क्या होता है, प्लांट जब एक पर्टिकुलर एज में आ जाता है इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ओल्ड एज. जब ओल्ड एज आ जाती है प्लांट्स के अंदर दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस फेज. तो एक पर्टिकुलर स्टेज होती है या फिर हम बात करते हैं कोई फ्रूट है, पर्टिकुलर फ्रूट सबसे पहले जब डेवलप होते थे इमेच्योर होता है, उसके बाद मेच्योर होता है, मेच्योर के बाद आगे फर्दर वो राइपनिंग होती है उसकी, देन एट लास्ट वो सेनेसेंस में आ जाता है. सेनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज, जब वो ओल्ड होने लगता है. ठीक है, दैट इज़ रिफर्ड एज सेनेसेंस. तो ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट रेगुलेट द बर्ड एंड सी डॉर्मेंसी बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ प्रोसेस. ठीक है, ये जो हार्मोन होता है बेसिकली ग्रोथ के प्रोसेस को रोक देता है. प्लांट में जो भी ग्रोथ होनी होती है वो रुक जाती है एक पॉइंट में आके और सीड में डॉर्मेंसी को भी इंड्यूस करता है. और वी कैन से दैट सिंपली जो कोई भी सीड जर्मिनेट करता है सीड के जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करने का काम करता है. तो वी कैन से दैट इट इज़ एंटी जिब्रिलिन, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एंटी जिब्रिलिन. एंटी जिब्रिलिन क्यों बोला गया है इसको, बिकॉज जो जिब्रिलिन हार्मोन था हमने देखा कि जिब्रिलिन जो हार्मोन होता है वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, इट ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड. लेकिन एब्सिसिक एसिड का फंक्शन ये है कि डॉर्मेंसी को इंड्यूस कराता है. तो दैट इज़ वाई इट्स फंक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ जिब्रिलिन. तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिफर्ड एंटी जिब्रिलिन. नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉज एब्सिशन ऑफ लीव्स. एब्सिशन का मतलब होता है पत्तों का झड़ना, जब पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है दैट इज कॉल्ड एब्सिशन. तो ये सब जो होता है ये ड्यू टू एब्सिसिक एसिड हार्मोन. नेक्स्ट, इट इनहिबिट द आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस. अभी हमने देखा कि जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये ग्रोथ को रोक देता है, ये ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. एंड वी ऑल नो जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन. प्रोटीन जो है एक इसेंशियल, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट का, जो कि क्या करता है बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन द बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस. तो सेम ऐसे ह्यूमन बीइंग में बॉडी बिल्डिंग होती है, जस्ट लाइक सेम प्रोसेस प्लांट के अंदर भी होता है. प्लांट्स की जो बॉडी बिल्डअप होती है उनकी जो ग्रोथ होती है इट इज़ ड्यू टू दिस प्रोटीन. और प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए इंपॉर्टेंट होते हैं. वी ऑल नो बायोलॉजी में हमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा है इन द 12th क्लास. सेंट्रल डॉगमा ये बोलता है कि सबसे पहले डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसके बाद जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्लो करती है आगे, और उसके बाद आरएनए डेवलप होते हैं, मैसेंजर आरएनए से बाद में प्रोटीन डेवलप होते हैं. इस तरह से प्रोटीन जब डेवलप होते हैं तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. बट
एब्सिसिक एसिड इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, प्रोटीन ही सिंथेसिस नहीं होने देता। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो अल्टीमेटली ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इट एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये बेसिकली गार्ड सेल्स जो होते हैं, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज गार्ड सेल्स, इस तरह के किडनी शेप के होते हैं, लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, पत्ता होता है प्लांट का उसके सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है प्लांट कैसा है। ठीक है, सरफेस में भी पाए जाते हैं और सरफेस के नीचे वाली जो अंडर साइड होती है लीव्स की वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली जो गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये रेगुलेट करते हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं लाइक पोटेशियम और सोडियम। तो बेसिकली एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के अपटेक को उसके अपटेक के प्रोसेस में इंटरफेरेंस उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम का अपटेक प्रॉपर नहीं हो पाता। प्रॉपर अपटेक ना होने की वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट बिकॉज क्यों, क्योंकि स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। अगर स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो बेसिकली प्लांट ट्रांसपायर नहीं कर पाएगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पानी का जो लॉस होता है वेपर की फॉर्म में। वी ऑल नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज इट्स वाटर टू द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। भाप बन के जो पत्तों से पानी निकलता है दैट इज़ ट्रांसपीरेशन। और अगर एक बार स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपीरेशन भी बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये काम जो है एब्सिसिक एसिड करता है, यानी ट्रांसपीरेशन को रोकने का काम करता है। दैट इज़ वाई एब्सिसिक एसिड रिफर्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज इथाइलीन। इस हार्मोन के बारे में क्या स्पेशलिटी है, इट इज़ द ओनली गैस हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट। ये इकलौता हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है प्लांट के अंदर। और इसका जो फॉर्मूला अगर हम बनाएं, क्योंकि इथिलीन है डबल, आई मीन ई एन ई ई एन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, हेयर इट इज़ द फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमने जनरल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है स्कूल में, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि तीन तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड, उसके लास्ट में ई एन ई एन आता है। तो यहाँ पे इथाइलीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और ये बेसिकली गैसियस हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इथिलीन हार्मोन को बनाने के लिए किस अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ मिथियोनिन। यहाँ से MCU क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि इथिलीन हार्मोन को बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, दैट इज़ मिथियोनिन। मिथियोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। अगर हम बात करें मिथियोनिन के बारे में, कुछ पॉइंट्स लाइक पल्सेस यानी दैट इज़ लेग्यूम्स, जो हमारी लेग्यूम होती हैं वो मिथियोनिन में डेफिशिएंट होती हैं। पल्सेस आर डेफिशिएंट इन मिथियोनिन अमीनो एसिड, रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा कि सीरियल्स, जो हमारी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, वो किस में डेफिशिएंट होते हैं, दे आर डेफिशिएंट इन लाइसिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स, कि पल्सेस में मिथियोनिन डेफिशिएंट होता है, सीरियल्स में लाइसिन डेफिशिएंट होता है। और ये जो पॉइंट है कि इथिलीन की सिंथेसिस के लिए कौन सा अमीनो एसिड रिक्वायर है, दैट इज़ मिथियोनिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इज राइपनिंग। तो फ्रूट्स की जो राइपनिंग होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फ्रूट पहले मैच्योर होगा, फिर धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी और वो राइपनिंग यानी जो पकने लगता है उस स्टेज में आ जाएगा। तो फ्रूट्स की जो राइपनिंग होती है, फ्रूट पकने के लिए इथिलीन हार्मोन ही क्या करता है, हेल्प करता है। द क्लाइमेटिक रेज इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ सेनेसेंस एंड डेथ। तो जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, बनाना, एप्पल, इस तरह के क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में क्या होता है, जैसे जैसे फ्रूट राइपन होने लगता है वैसे वैसे इथिलीन का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और एक बार जब इथिलीन के कारण फ्रूट में राइपनिंग कंप्लीट हो जाती है, राइपनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है हमारी सेनेसेंस की, सेनेसेंस और डेथ। ठीक है, और सेनेसेंस किसकी वजह से आता है, अभी हमने देखा था, इट इज़ ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। तो याद रखना है, फ्रूट राइपनिंग के लिए
इथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि साइनिसेंस के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट पॉइंट, इथिलीन इंक्रीज द सेल परमीबिलिटी। सेल परमीबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेल है और ये सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इजीली वाटर एंटर हो जाएगा, तो वाटर की जो एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर, दैट इज सेल जो है परमीएबल हो चुका है, और जैसे जैसे वाटर अंदर इनटेक होगा वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे लिखा है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन रूट इलोंगेशन एंड बड ग्रोथ इज ड्यू टू ऑक्सीजन इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन। मतलब जब इथिलीन का प्रोडक्शन होता है उसके कारण से क्या होता है कि जो रूट्स का इलोंगेशन होता है, बड्स का इलोंगेशन होता है, वो स्टॉप हो जाता है, बिकॉज इथिलीन का मेन फोकस जो रहता है दैट इज़ इन द फ्रूट राइपनिंग। इथिलीन का मेन काम होता है फ्रूट का राइपनिंग करना, तो उस दौरान क्या होता है कि रूट्स, बड्स, इन सब की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 दैट इज़ 5 to 10% इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ इथिलीन, ठीक है। यहाँ पे हमको याद रखना है कि इथिलीन के इफेक्ट को अपोज कौन करता है। प्लांट्स में फ्रूट की राइपनिंग, ये हमारा फ्रूट है, इसको राइपन करने के लिए इथिलीन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, बट इथिलीन को इनहिबिट करने के लिए भी कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा सिल्वर आयंस, Ag+, सिल्वर आयन, तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयंस, दे एक्ट एज अ इथिलीन इनहिबिटर। इथिलीन इनहिबिटर का मतलब ये हुआ कि जो भी इथिलीन का फंक्शन होता है ये दोनों उसके फंक्शन को रोकेंगे, इनहिबिट कर देंगे। यानी इथिलीन चाहता है फ्रूट्स को राइपन करना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो Ag+ आयंस होते हैं ये दोनों इथिलीन के एक्शन को जस्ट अपोज करने का काम करेंगे। ये चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आज के डेट में इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इफ़ यू टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप लाइक टमाटो, कुकुम्बर, इस टाइप के कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, पपाया, इस टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज़ में हम क्या करते हैं कि फ्रूट की जो राइपनिंग है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे? वी ऑल नो इथिलीन क्या करेगा, फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करेगा, लेकिन अगर हमने उस पर्टिकुलर एक लोकल इन्वायरमेंट में जो लोकल कंडीशन होगी फ्रूट के आसपास की, अगर हमने वहाँ पे 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन रख दिया है या सिल्वर आयंस प्रोड्यूस कर दिए हैं, वो प्रोसेस के कारण इथिलीन का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। इथिलीन का प्रोडक्शन जब रुक जाएगा तो फ्रूट की राइपनिंग रुक जाएगी, फ्रूट उतने टाइम के लिए नहीं पकेगा, नहीं, उसी स्टेज में, जिस स्टेज में वो है उसी स्टेज में उसका प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे क्रॉप्स हैं, अगर हमको नहीं चाहते कि राइपनिंग हो अभी क्योंकि ड्यू टू सम एनी रीज़न, तो उस प्रोसेस के लिए हम इन कंपाउंड्स का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इथिलीन इनहिबिटर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड Ag+ आयन। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इथिलीन का ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है पी सीडलिंग में, किस साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था, इट इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इथरल और इथिफोन, ये केमिकल्स इथराइलीन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि इथिलीन हार्मोन जो होता है फ्रूट की राइपनिंग में फ्रूट को हेल्प करता है, और अगर हम फ्रूट राइपनिंग नहीं चाहते हैं तो हमें को क्या यूज़ करना है, इथिलीन इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड Ag+। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्शन ऑफ एपिनेस्टी, लीफ एब्सेशन एंड स्टेम स्वेलिंग। इथिलीन की वजह से फ्रूट तो राइपन हो जाता है लेकिन जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, पत्ते जो लीव्स होती हैं उनमें बैंडिंग होती है, पत्ता जब मुड़ने लगता है दैट इज कॉल्ड लीव बैंडिंग यानी एपिनेस्टी। उसके बाद लीफ एब्सेशन होता है, लीफ एब्सेशन का मतलब क्या होता है, जब पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है, यानी कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट जब प्लांट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्सेशन। पत्ते अगर लीव्स हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लीव एब्सेशन, और जो स्टेम है वो थोड़ा स्वेल हो जाएगा। ये सारी एक्टिविटी जो प्लांट के अंदर होंगी दैट इज़ ड्यू टू इथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट इज
इनहिबिशन ऑफ स्टैमेन रूट ग्रोथ, ये भी हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि इथिलीन का मेन फोकस कहाँ रहेगा, फ्रूट की राइपनिंग में रहेगा, तो फ्रूट की राइपनिंग होगी, बागी पत्ते झड़ जाएंगे, स्टैम और रूट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। एंड लास्ट वन इज़ इंडक्शन ऑफ फ्लावर पेटल डिस्कलरेशन, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, लेकिन अगर कुछ फ्रूट्स नहीं बन पाए, फ्लावर फॉर्म में ही रहता रह जाता है प्लांट में, तो फ्लावर का जो पेटल है वो सब खराब हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा। और ये सारी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हैं, ये किसके कारण थे, इथिलीन के कारण थे। तो हमने इस वीडियो में इथिलीन और एब्सेसिक एसिड दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर एंड ग्रोथ रिटार्डेंट। सुनने में तो दोनों ही थोड़े सिमिलर हैं, इनहिबिटर ये भी ग्रोथ को रोकेगा और ग्रोथ रिटार्डेंट ये भी ग्रोथ को रोकेगा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट इन ग्रोथ इनहिबिटर, सर्च आर द केमिकल्स विच इनहिबिट और रिटार्ड फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। ग्रोथ रिटार्डेंट, सच केमिकल रिटार्ड सेल डिविजन एंड सेल इलोंगेशन इन शूट टिश्यूज एंड दस रेगुलेट द प्लांट हाइट। तो जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट की फिजियोलॉजी को या बायोलॉजिकल सिस्टम को इफेक्ट कर देते हैं, और एक बार प्लांट का फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा तो उनकी जो ग्रोथ या फिर प्लांट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। ये काम जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर का होता है, प्लांट की बायोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी को चेंज करने वाला। लेकिन ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करता है, ये सेल डिविजन इलोंगेशन इस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसके कारण प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल इलोंगेट नहीं होगा, प्लांट की हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ग्रोथ रिटार्डेंट बेसिकली सेल डिविजन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू इन ग्रोथ इनहिबिटर इज इट कॉज मालफॉर्मेशन ऑफ लीव एंड स्टेम्स। मतलब जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं बेसिकली प्लांट की फिजियोलॉजी को, प्लांट की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, इसके कारण प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाएगा, मॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। मॉल फॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाएगा। वी ऑल हैव सीन कि नॉर्मल पत्ता प्लांट का ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन मॉल फॉर्मेशन के कारण जो पत्ता है वो कैसे हो जाएगा, मॉल फॉर्मेशन में पत्ता इस तरह से हो जाएगा, पत्ते की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कुछ उससे थोड़ा अलग ही दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड माल फॉर्मेशन। लेकिन ये केस ग्रोथ रिटार्डेंट के केस में नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे कोई माल फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट बिकॉज सेल डिवीजन कम हो रहा है, सेल इलोंगेशन कम हो रहा है, प्लांट दिखने में तो वैसे ही लगेगा, बस प्लांट की हाइट रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पे बस ये फ़र्क होता है। इनहिबिटर्स प्लांट का पूरा फिजियोलॉजी चेंज कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी पत्ती जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं दिखती, स्टेम वैसा नहीं दिखता नॉर्मल, माल फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड वन इज़ इट कम्प्लीटली सप्रेस द ग्रोथ। ग्रोथ इनहिबिटर कम्प्लीटली सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि ये प्लांट की फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देते हैं, और एक बार प्लांट की फिजियोलॉजी ख़राब हो जाएगी तो प्लांट का पूरा आगे की ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं ये सप्रेस नहीं कर पाते ग्रोथ को। नेक्स्ट पॉइंट इन ग्रोथ दैट इज इट कॉज येल्लोइंग एंड एब्सेशन ऑफ लीव्स। तो ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है उसके कारण पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। लेकिन ग्रोथ रिटार्डेंट में क्या होता है कि ग्रोथ, क्योंकि सेल डिवीजन ही कम हुआ है और कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं होते, बस लीव्स का जो कलर है वो थोड़ा सा इंटेंसीफाई होने लगते हैं, ग्रीन कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, प्लांट ग्रीन ही रहेगा बट वो इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ इट अफेक्ट द विगर एंड रेट ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट। विगर का मतलब होता है कि प्लांट्स का जो हाइट होती है, प्रॉपर बोल्डनेस होती है, वो थोड़ी अफेक्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। अभी हमने देखा कि ऑर्गन लाइक प्लांट के अंदर लीव्स हैं, स्टेम है, ये माल फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन सेम यही सारे फीचर्स जो हैं हमको रिटार्डेंट में नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ वन इज़ ये हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड दिस वन इज़ ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल हमने पहले देखे थे, मैलिक हाइड्राजाइड, इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड MH। ये हम यूज़ करते हैं अनियन में ताकि स्पॉटिंग को हम डिले कर सकें। एब्सेसिक एसिड इज वन ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटर।
तो ये सब हमारे ग्रोथ इनहिबिटर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन, एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमारा आते हैं, सॉरी ग्रोथ रिटार्डेंट्स, ग्रोथ रिटार्डेंट्स में हमारा आता है साइकोसिल, जिसको हम ट्रिपल सी या फिर क्लोराम क्वाड बोलते हैं, एंड फॉस्फोन डी एमओ 1618, दे आर ग्रोथ रिटार्डेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इन ग्रोथ इनहिबिटर इट मे बी एंटी जिब्रेलिन, क्योंकि जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं वो एंटी जिब्रेलिन होते हैं। अभी हमने देखा था कि जो एब्सिसिक एसिड था, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड एग्जांपल है, और ग्रोथ इनहिबिटर में हमने देखा था एब्सिसिक एसिड के अंदर कि ये जिब्रेलिन का जो फंक्शन है उसको अपोज करता है। सो जो जिब्रेलिन का फंक्शन होता है, लाइक जिब्रेलिन वांट टू प्रमोट सीड डोर्मेंसी, मतलब जिब्रेलिन चाहता है सीड डोर्मेंसी ब्रेक करना, बट एब्सिसिक एसिड चाहता है सीड को डोर्मेंसी में इंड्यूस कराना, तो एंटी जिब्रेलिन एक्ट करते हैं, देन एंटी ऑक्सीजन एंटी जर्मिनेशन। बट हेयर इन द केस ऑफ ग्रोथ रिटार्डेंट्स दे आर मेनली एंटी जिब्रेलिन, ये बस एंटी जिब्रेलिन होते हैं, यानी सीड में डोर्मेंसी को इंड्यूस कराना चाहते हैं। So here this chapter is over now. If you like the video, then don't forget to hit the like button. Thank you for watching this complete video.